नमस्कार दोस्तों, पंजाब के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी को बधाई दीजिए और उनके दफ्तर में लगी इन दो तस्वीरों पर गौर फरमाइए। शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर, इन दोनों महापुरुषों के सम्मान में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। मैं इस मुद्दे पर आपसे चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं, मैं बस मौजूदा सियासत का जो तस्वीर काल चल रहा है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की इस तस्वीर को जहन में रखकर आप इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। अन्ना आंदोलन की तस्वीर है ये। आप भूले नहीं होंगे कि इसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। इसी आंदोलन के जरिए अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की दुनिया में एंट्री ली थी। आपको उस दौर की ये तस्वीर याद होगी। आप अन्ना के मंच पर लगे तस्वीर पर जरा गौर फरमाइए। बापू की बड़ी सी तस्वीर है। मंच पर बापू, जुबां पर बापू, सिर पर बापू की टोपी। पूरा अन्ना आंदोलन गांधी जी के रंग में रंगा रहा। टीम केजरीवाल की तरफ से अन्ना हजारे को आज के बापू की तरह स्थापित करने की उस दौरान कोशिश भी हुई थी। आज के बापू मतलब अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल जी ने क्या किया, उस पर भी विस्तार से चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन अभी एक दूसरा सवाल, क्या केजरीवाल जी की मौजूदा राजनीति में महात्मा गांधी जी की तस्वीर की भी जगह नहीं बची है? ये सवाल है, ये सवाल खड़ा हुआ है पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के ऑफिस की उसी तस्वीर के बाद जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। भगवंत मान ने अपने ऑफिस में शहीद आजम भगत सिंह जी और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर तो लगवाई, लेकिन बापू की तस्वीर लगाना तो दूर, उनका जिक्र तक नहीं किया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाने का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाने का फैसला कई तरह के अटकलों का जन्म दे रहा है। मन में सवाल उठ रहा है और दुनिया भी सवाल पूछ रही है कि क्या केजरीवाल जी के लिए अन्ना की तरह महात्मा गांधी जी भी अप्रासंगिक हो चुके हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि जाति, धर्म और फर्जी राष्ट्रवाद की उनकी मौजूदा राजनीति के लिए गांधी जी सही चेहरे नहीं हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने में आपको सहूलियत है, इसलिए मैं आपको कुछ और पुरानी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर बड़ा गौर से देखिएगा इन तस्वीरों को। यह तस्वीर उस वक्त की है जब खुद अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठे थे लोकपाल के मुद्दे पर। याद आया आपको? अब तो लोकपाल की लोगों को याद दिलानी पड़ती है। देखिए अरविंद केजरीवाल किस तरह से उस दौरान मंच पर अनशन कर रहे थे और उस मंच पर भी गांधी जी विराजमान। लेकिन उन्हीं केजरीवाल जी के लिए अब गांधी जी इतने अप्रासंगिक हो चुके हैं कि भगवंत मान के दफ्तर में उनकी तस्वीर तक नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये फैसला अकेले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का है, तो आपको बता दूं कि पंजाब में ये चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही भगवंत मान साहब उस पर बैठे हैं, लेकिन फैसला तो दिल्ली से केजरीवाल जी ही लेंगे। मजाक में ही सही, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि केजरीवाल जी मान जी पर रखने के लिए, उन पर जो नज़र रखनी है उसके लिए उन्होंने ऑफिस में CCTV कैमरे लगवाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में। ये चर्चा का विषय पंजाब के चंडीगढ़ सेपरेट ऑफिस में है। मतलब साफ है कि भगवंत मान के दफ्तर में गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाने का जो फैसला हुआ है वो केजरीवाल जी की राजनीतिक रणनीति के तहत हुआ है। अब यहाँ एक दूसरा सवाल भी उठ रहा है, क्या गुजरात विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल एक अलग राजनीतिक रणनीति दिखेगी उनकी? क्या वहां वो फिर से गांधी जी की छत्र छाया में खुद को स्थापित करने की कोशिश करेंगे? इसी तरह के कई और सवाल सुर्खियों में हैं। खुद केजरीवाल तो इस तरह के सवालों का जवाब देने से बचते रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे सवालों का जवाब हो तो ज़रूर बताइएगा। आपके जवाब के इंतज़ार में मैं भूपेंद्र नारायण सिंह आपका इंतज़ार करूंगा। नमस्कार।